वैसे तो उनके खिलाफ 20 दर्जनों केसेस हैं जिनमें करप्शन की और इंक्वायरीज जो हैं वो भी नैब के पास जो है वो इन प्रोग्रेस हैं। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ये जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से केस है उस हवाले से उस इंक्वायरी और उस मुकदमे में जो है वो की गई है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिला में यूके में जो है वो पैसा पकड़ा गया और कानून के मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन कोई 60 अरब रुपए के लगभग रकम बनती है, ये रकम जो है वो कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान के आवाम की अमानत थी, ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आनी थी। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से रابطہ किया और इस रकम की कौमी ख़जाने में वापसी के लिए जो है वो इंतज़ाम से मतलब उसके मतलब बात की। बीच में इमरान खान का जो एक दल्ला दलाल था जिसका नाम शहजाद अकबर था वो बीच में आया, उस दलाल ने अपनी दलाली की और एक सौदा जो है वो तय पाया जिसके नतीजे में एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई यानी उस प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई। आपके इल्म में होगा कि आज से कोई 7-8 माह पहले मैंने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम प्रॉपर्टी की तफसील उनकी उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और बकायदा उनके इंतकाल नंबर मैंने यहाँ पे आपकी खिदमत में पेश किए थे और साथ इमरान खान नियाजी को चैलेंज किया था कि तुम जवाब दो कि ये अल कादर ट्रस्ट जो है ये तुमने इस रिश्वत इस करप्शन को जो है वो छुपाने के लिए जो है ये बनाया गया और उस ट्रस्ट के सिर्फ दो ही ट्रस्टी हैं, इमरान खान नियाजी उसका ट्रस्टी है और उसकी अहलिया मोहतरमा, उन दो के अलावा और कोई तीसरा ट्रस्टी नहीं है। 240 कनाल जो बनी गाला में है वो फरा गोगी के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड है। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है ये इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए के लगभग है। ये 7 अरब रुपया जो है उसकी प्रॉपर्टी लेके और उसके अलावा 2 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब ने अपनी दलाली का लिया और वो अलहदा से जो है वो 2 अरब रुपया लेके आजकल दुबई में और लंदन में जो है वो मौजें उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद वो रकम जो थी उस रकम को कौमी ख़जाने में लाने की बजाय उस 60 अरब की रकम को जो है उसी प्रॉपर्टी टाइकून का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है एडजस्ट करवा दिया गया, यानी उसकी रकम उसे ही जो है वो वापस लौटा दी गई। मैं तफसील में बाद में बात करूंगा लेकिन यहाँ पे मैं इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ ये बात पाकिस्तान के अवाम और आपके सामने रखनी चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि ये जो रकम एक बैरूनी मुल्क से एक बैरून मुल्क से यूके से हमारे अकाउंट में आ रही है, ये रकम कहाँ से आ रही है, ये किसकी रकम है और ये क्यों आ रही है, कोई किसी ने जो है वो नहीं पूछा और वो 60 अरब रुपया जो है
वो एडजस्ट हो गया और बीच में से 2 अरब रुपया दल्ला दलाली का ले गया और बाकी जो है वो 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आज भी चैलेंज करता हूँ ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वीर बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी आप बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं, एक पैसा बताएं कि वो इन्होंने जो है वो कोई मनी ट्रेन जिसे कहते हैं मनी ट्रेन बताएं कि वो इन्होंने जो है वो रकम जो है वो अदा की हो। इसी तरह से ये रकम जो है ये हड़प की गई और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है, ये बदबخت टोला और ये बेशर्म और बदबخت इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के और यानी कैबिनेट से जो है वो मंजूरी ली कि जाके शहजाद अकबर जो है वो यूके में जाके अदालत में जो है वो हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बयान दे दे और वो बयान देने के बाद जो है वो पैसे उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएं और ये रकम जो है वो हम अपने अकाउंट में जो है वो डाल लें। उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था उस वक्त जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ जो है करप्शन के झूठे मुकदमे बना रहा था, यानी किरदार का घटियापन देखें आप और इस आदमी की मुनाफकत देखें आप, इस आदमी की मक्कारी देखें कि एक बंदा जो है वो जिस वक्त वो लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो नारे लगा रहा है, लोगों के खिलाफ करप्शन के जो है वो झूठे मुकदमे बना रहा है, खुद उसी वक्त जो है इस किस्म की घटिया करप्शन में कि कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का जो है वो टीका लगा के खुद 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इसी मुल्क में अपने जो है वो नाम लगवा रहा है। तो ये इसका जो है वो घटिया और गंदा किरदार है जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट्री तौर पे 2x2=4 रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद है, एक पैसा जो है वो उस अदा नहीं किया गया और जिस कंपनी ने जिस बंदे ने जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो ज़मीन इसके नाम लगवाई है उसी के अकाउंट में जो है वो 60 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच में दल्ला दलाली की है वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इस वक्त जो है वो वहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो बैठा है। तो मामला ये है कि हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता कि जी ये पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है और ये क्यों एडजस्ट हो रहा है, चलो कोई आवाम का भला हो जाता और ये पैसा जो है ये कौमी जो है वो ख़जाने में चला जाता। और आज जो है वो जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तो आगे से मज़ामत की कोशिश की गई है और जो वकला साहबान थे, मुझे अफसोस है कि वकला साहबान को ये जेब नहीं देता कि वो एक कानूनी अमल के रास्ते में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश करें, लेकिन बहरहाल जो वहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी उन फोर्सेस ने बड़े जो है वो बैलेंस्ड और जो है वो बेहतर अंदाज में जो है ये गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई। इसके अलावा जो तोशाखाना का केस है वो भी जो है वो बिल्कुल जो है वो साबित शुदा है, उसमें वो जाली रसीद यानी तोशाखाना जो है उसमें भी उसी वक्त ये चोरी कर रहा था जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, जब उनकी ख़वातीन को मियां नवाज शरीफ की बेटी को मरियम नवाज़ को जो है वो जेल से बाप के सामने जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो जेल ले जाया जा रहा था, नैब जो है वो एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी कर रहा था, मियां शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को, उनकी बेटियां जो कि बिल्कुल जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है उनके ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे,
उनकी अहलिया मोहतरमा के खिलाफ जो है वो इश्तिहारी जो है वो बनाने की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही थी उस वक्त। ये बदबख्त जो है ये खुद इस तरह से जो है वो करप्शन में जो है वो लगा हुआ था, और वो जो तोशाखाना का जो केस है उसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं। वो सारी जो इन्होंने वहाँ से तोहफे जो है वो चोरी किए, चोरी करने के बाद उनको जालसाजी से जो है बैरून मुल्क ले जाया गया, वहाँ पे जाके उनको जो है वो औने पौने दामों में जो है वो बेचा गया, उसके बाद फिर वो पैसा जो है वो किस तरह से वापस आया या वहीं से आगे चला गया, ये सारी चीज़ें जो है ये भी इंटरोगेशन में जो है वो आने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें भी जो है वो साबित हैं। जाली रसीद बनाई गई, वो जाली रसीद जिस दुकान की बनी थी वो दुकान का भी सारा किस्सा जो है वो खुल चुका है। और वो दुकानदार ने कहा, उसने कहा कि ना मैंने ये घड़ी खरीदी है, ना मैंने जो है वो ये रसीद जो है वो बना के दी है। तो ये मेन केसेस जो हैं ये करप्शन के जो हैं वो इस वक्त नैब के पास हैं। बाकी इसके अलावा भी जो है वो इनके केसेस जो है वो करप्शन से मुतल्लिक लगा। फरा गोगी जो है, फरा गोगी का 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल फरा गोगी ने जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया है। सारे पैसे जो हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हैं। और फरा गोगी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की एक फ़र्द थी, उसका उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, उसका नाम ऐसे दर्ज था कि जैसे वो फैमिली मेम्बर हो, उसके आने जाने में जो है वो कोई उसे जो है वो रुकावट नहीं थी। तो ये इसकी जो है वो करप्शन का हाल था। और अब इसमें नैब जो है, नैब ने इन्हें बाकायदा नोटिस किया और इन्हें कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, हर चीज़ जो है वो साबित है, तो आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हो। क्योंकि अगर ये शामिल तफ्तीश होते तो क्योंकि ये केसेस जो हैं, ये रेफरेंसेस जो हैं, ये बिल्कुल यानी डॉक्यूमेंट्री तौर पे ऊपर जो है भी इनके प्रूफ हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनका पेश होना, पेश हो के इन इल्ज़ाम का जवाब देना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन ये पेश नहीं हुए और उन्होंने चैलेंज कर दिया उन नोटिस को। वो नोटिस जो है वो चैलेंज हुए हाई कोर्ट में और वो चलते रहे, और बिलाखिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अमल इन अकॉर्डिंग विद लॉ है उससे नहीं रोका जा सकता, और इनको जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, अपना जवाब जो है वो देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शामिल तफ्तीश होना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, जिसके ऊपर फिर नैब को जो है वो इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में जो है वो लाना पड़ी। और उसका आलिया ने जो है वो नोटिस भी लिया है। हमें इस बात का कोई गिला नहीं है कि अदालत ने जो है वो नोटिस लिया है, नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जब लोगों को बेगुनाह लोगों की पकड़ दकड़ हो रही थी, जब रोज़ शहजाद अकबर जो है वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, जब नैब के चेयरमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके उसे जो है वो अपना जो है वो अपने अपनी तर्ज पे जो है उसको जो है वो चलाया जा रहा था, उसे यरगमाल बनाया हुआ था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जब मिनिस्टर जो हैं वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि जी अब फलां आदमी जो है वो गिरफ्तार होगा, ज़िमनियाँ पढ़ पढ़ के जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनाते थे, जब लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मंशियात के झूठे मुकदमे डाले गए, उस वक्त तो कोई सो मोटो नोट्स नहीं हुआ। उस वक्त तो किसी अदालत ने ये कहना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा कि भई कम अज़ कम आएँ बताएँ कि आपने ये है वो किन केसेस में जो है वो गिरफ़्तार किया है, इस केस की जो है वो नवीयत क्या है। और जब जजेज़ ने जो है वो बाकायदा जो है वो पब्लिकली कहा कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है, हमसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सज़ा दिलाई जा रही है, तो उस वक्त जो है वो हमारी जुडिशरी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन बहरहाल उनके जुडिशरी के एक्टिव होने की हमें खुशी है, अफसोस तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मरहले के ऊपर फिर हमें अपनी वो महरूमी या वो ज़्यादतियाँ जो हमारे साथ होती रहीं और उस वक्त इंसाफ को हमारे पुकारे जाने के आवाज़ देने के बावजूद भी आगे से कोई जवाब नहीं मिलता, तो ये चीज़ जो है वो हमें ज़रूर जो है वो महसूस होती है।
तो ये गिरफ्तारी जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। नैब जो है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर जो है वो ना कंट्रोल है, ना कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है। मैं आपको बतौर वज़ीर दाखला ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि ना तो कभी किसी नैब के ऑफिसर से और ना ही चेयरमैन नैब से ना कभी मेरी मुलाकात हुई है, और ना ही मैंने इस केस के ऊपर उनसे जो है ब्रीफिंग ली है, और ना ही मैंने ज़िमनियाँ पढ़ी हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो है वो सुना सकता। अब ये क्योंकि ये गिरफ़्तारी हुई है और मुझे ये मालूम था कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने फिर फौरी तौर पे इसके मतलब मालूम किया कि ये किस केस में इसकी गिरफ़्तारी हुई है और इसके ऊपर जो है जो एलिगेशन हैं वो एलिगेशन आपके इल्म में हैं कि वो पहले हम ही ने जो है वो आपके भी सामने और हमने नैब तक भी पहुँचाई थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो चीज़ें साबित हुई हैं और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में आई है। पहली बात तो ये है कि इंतकामी कार्रवाई का जो है वो निशाना बनाया गया है। ये 60 अरब रुपया जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। ये अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो ये 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है ये इमरान खान न्याजी और उनकी अहलिया मोहतरमा के नाम रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद है, तो फिर ये इंतकामी कार्रवाई जो है वो कैसे है? फराग गोगी के नाम 240 कनाल, 458 कनाल वो है और 240 कनाल बनी गाला में उसके नाम रजिस्टर्ड है, इंतकाल है। ये बताएं फराग गोगी के इसने पैसे कहाँ से लिए हैं और किसको दिए हैं? ये खुद बताएं कि 458 कनाल और उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो किसने बनाई है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पर इन्होंने जो है वो शो किए हैं? ये एक करप्शन है, ये ऐसी करप्शन है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम नहीं है। ये अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का अगर ये कहें तो वो सुबह जो है वो पेश किए जा सकते हैं, इससे पहले मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर चुका हूँ। मामला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है, ये एक साबितशुदा डॉक्यूमेंटेड जो है वो करप्शन है। अफसोस इस बात का है कि ये किरदार के लिहाज से इतना मुनाफिक और मक्कार इंसान है कि जिस वक्त ये खुद ये करप्शन कर रहा था उस वक्त लोगों को जो है वो करप्शन की गालियां दे रहा था, लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो लोगों के खिलाफ नारे लगा रहा था, करप्शन के खिलाफ जो है ये लेक्चर झाड़ रहा था और ख़ुद जो है वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहा था। तो इसलिए ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये जो है वो रूल ऑफ लॉ है, ये मेरिट है, और ये जो बातें ठीक है अदालत में तो जो है वो साबित होंगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो इनके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हैं ये कुछ चीज़ें जो जुटलाने वाली नहीं है, ये आज तक इसका जो है वो जवाब नहीं दे सका। बाकी मौके पे मजामत ज़रूर हुई है लेकिन मजामत का स्केल कोई इतना नहीं था कि वहाँ पे कोई धक्के शक्के के अलावा जो है वो किसी को कोई चोट लगती या किसी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। मौके की वीडियोस भी मौजूद हैं, ये बात कतन गलत है कि वहाँ पे किसी को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इसके जो गनमैनों ने उन्होंने को थोड़ा जो वहाँ पे धक्कम पेल की है, उसके अलावा वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुई। बाकी घर का खाना जो है ये उनको देना या ना देना ये नैब का काम है, हमारी तरफ से नैब को कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बाकी जो आपने खुराक की बात की है तो खुराक अगर नैब वालों के पास होगी तो वो वहाँ पहुँचा देंगे, या फिर मेरा ख्याल है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है वो रखा जाए, वहाँ पर उनका इलाज भी हो जाएगा और तफ्तीश भी हो जाएगी। वो दोनों चीज़ें था, वो दलाल भी था और दल्ला भी था, दोनों और 2 अरब रुपए भी जो है वो ले गया, उसको बिल्कुल वापस लाया जाएगा। और नैब अगर उसके मतलब जो है वो तहर्रक करेगी, गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से उस प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करेगी, उसको जो है वो वापस लाया जाना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का तलक है कि इंतकाल किसने किया, देखे ना मामला ये है कि जब एक
टाउन की जो या कंपनी या डेवलपर जो है वो अगर किसी के नाम पे रजिस्ट्री कराता है तो जो भी वहाँ पे सब रजिस्ट्रार है या वहाँ पे जो रजिस्ट्री मुहर्रर है तो उन्होंने तो उसके नाम कर ही देनी है ना, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन इस पूरे अमल में कैबिनेट जो है उसके ऊपर, लेकिन ये बात तो साबित है कि इसने कैबिनेट से भी फ्रॉड किया। ये ऐसा फ्रॉडी है कि इसने अपनी कैबिनेट से फ्रॉड किया और वो ख़त जो था उसे खोला नहीं, उसे दिखाया नहीं, वैसे लहरा के जो है वो आगे निकल गया। लेकिन कैबिनेट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनती है इस बात की, तो उनको शामिल तफ्तीश तो किया जाना चाहिए। बाकी उसमें फिर किसी का कितना कसूर निकलता है कितना जो है वो नहीं निकलता, लेकिन मैं इस मौके पे ये बात बड़ी वाजे करना चाहता हूँ और इस बारे में जो है वो वफाक से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहबान और गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है कि इस बदबख्त टोले के लोग अगर जो हैं वो इस गिरफ्तारी पे किसी किस्म की जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती से जो है वो निपटा जाए। इस बात की कतन कोई रोड ब्लॉक या कोई इस किस्म की हरकत अगर इन्होंने की, इसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पे लोग गिरफ़्तार होते रहे हैं, यहाँ पे इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो एक झूठे और जो है वो बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया। तो हमने जो है वो अदालतों का सामना किया, अदालतों में अपने मौक़िफ़ को जो है वो रखा, तो हमने तो कोई इस किस्म की जो है कि जी हमें जो है वो अपना सियासी तौर पे जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लिहाजा हम लोगों से कहें कि जनाब आप जो है वो अमन अमान की सूरत हाल पैदा करें, तो ये कतन इनका कोई इनको ये हक नहीं पहुंचता। और अगर ऐसा तजावज़ किसी ने करने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून पूरी ताकत से जो है वो नाफिस होगा। आप अगर अपना सवाल पहले कर देते तो मेरा ख्याल है कि पहली तमहीर बांधने की आपको ज़रूरत ही ना महसूस होती। मामला ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो रेंजर्स जो है वो मुस्तकिल तौर पे डिप्लॉयड है। रेंजर्स जो हैं वो वजारत दाखला की फोर्स है और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिक्वेस्ट पे जो है वो रेड जोन के लिए और फिर हाई कोर्ट के लिए जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो इनको डिप्लॉय किया गया है अंडर दी कमांड ऑफ इस्लामाबाद पुलिस और आईजी पुलिस। तो आज जब नैब ने जो है वो मदद चाही कि इसको गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो उन्हें फोर्स दी जाए, तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने साथ जो रेंजर्स उनके साथ डिप्लॉयड होते हैं ऑलरेडी और उनको हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अतराफ ही और रेड जोन में भी जो है वो पहले से ही जो है वो मामूल के मुताबिक डिप्लॉय किया जाता है। तो उन्होंने जो है वो इस बारे में मदद दी ताकि गिरफ्तारी जो है वो किसी वायलेंस या किसी इंसिडेंट के जो है वो बगैर अमल में लाई जा सके और ये स्ट्रेटजी जो है और रेंजर्स ने इसको बड़े अहसन तरीके से जो है वहाँ पे जो ये बात की जा रही कोई एज सच वायलेंस जो है वो नहीं है, वो शीशे वगैरह जो हैं वो इनके गनमैनों ने और वकला ने जो वहाँ पे कोई दकम पेल की है तो उस वजह से टूटे हैं, रेंजर्स के ने शीशे नहीं तोड़े बल्कि उन्होंने सिर्फ इसको, बल्कि अगर ये गिरफ्तारी में जिस तरह से उनको वारंट दिखाया गया और उन्हें कहा गया और जिस तरह से ये वहाँ से चले थे ये बयान दे के कि जी मैं गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तैयार तो नहीं निकले, ये ना तैयारी इनकी साबित ही हुई है। वहाँ पे तो इन्होंने जो है वो गिरफ़्तारी देने से इनकारी थे, तो जिस पर फिर रेंजर्स को जो है वो उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। नहीं मामला ये नहीं, सुन लेना ये अल्फाज जो हैं यहाँ पे तो सियासी रवायात थी, यहाँ पे तो जब हमने जो है वो अपनी सियासी ज़िंदगी का कॉलेज से या बाहर से आगाज़ किया तो उस वक्त तो अपनी जमात के कायदीन की क्या दूसरी जमात के कायदीन की भी जो है वो इज़्ज़त की जाती थी, सियासी रवादारी होती थी, लोग आपस में मिलते थे, ये ओए तोए का कल्चर
और ये अल्फाज जो हैं ये तो इन्हीं की पैदावार हैं, और इन्होंने इन अल्फाज को इतनी के साथ और इतने तकरार के साथ जो है वो इस्तेमाल किया है कि फिर आप जो है वो किसी की बात जो है वो 10 बार सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे, 20 बार सुनेंगे, फिर एक बार आपको भी जो है वो जवाब जो है वो देना पड़ता है। मामला ये है कि किसी भी जुर्म में सबसे पहले जो है वो उस जुर्म के जो मरकजी किरदार है उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो 60 अरब रुपए की डकैती हुई है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो कि साबित है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये अदालत में खड़ा होकर भी इनकार नहीं कर सकता कि मैंने जो है वो ये किया है। ये टेक्निकल जो है वो कोई चांसेज लेगा और उनके पीछे छुपेगा, ये नहीं कह सकता कि ये 60 अरब रुपए का मैंने टीका जो है वो कौमी खजाने को नहीं लगाया। तो ये 60 अरब रुपए का टीका अगर ये वज़ीर आज़म ना होता, लग ही नहीं सकता था। ये तो लगा ही तब है कि ये वज़ीर आज़म था, और उसके बदले में जो है वो इसने 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। जो बीच में दलाली कर रहा था उसने 2 अरब रुपया जो है वो अलहदा लिए हैं। तो मामला ये है कि इसमें बेनिफिशरी जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून ज़रूर है, लेकिन जुर्म इनका है। यानी ये जो जुर्म सरजद हुआ है, ये जुर्म जो है ये सरजद इन्होंने किया है, और उस जुर्म को सरजद करने का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान नियाज़ी है। बेनिफिशरी वो ज़रूर है, बेनिफिशरी उसकी इनकी अहलिया मोहतरमा भी हैं कि उनके नाम पे जो है वो ज़मीन लगी है, और बेनिफिशरी वो प्रॉपर्टी टाइकून भी ज़रूर है, लेकिन इस जुर्म का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान नियाज़ी है। बल्कि वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान नियाज़ी हैं, क्योंकि अगर ये वज़ीर आज़म होते ये जुर्म हो ही नहीं सकता था। वापसी जी, अब नैब अगर इस बारे में तहर्रुक करेगा तो ज़रूर जो गवर्नमेंट इस बारे में जो किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। तो व्हील चेयर की उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे फ्रॉड उसने किया हुआ। व्हील चेयर आप मुझे बताएं कि जितनी चोट इनको लगी थी इतनी देर में तो फ्रैक्चर जो है वो सही हो जाता है, ये तो फ्रॉड है इसका। वो व्हील चेयर पर बैठना, कभी जो है वो किस अंदाज से बात करना, वो कोई उसको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो भाग जाने में कामयाब हो सकता होता तो भाग जाता आज, तो व्हील चेयर की उसको कोई ज़रूरत नहीं। जी, खान साहब को नैब ने गिरफ़्तार किया है और वो नैब की तहवील में। देखें, इस बारे में मैं इसका प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है वो कह सकता हूँ कि मुझे अपनी पोजीशन के लिहाज से जितनी मेरी एक्सेस हो सकती है, इमरान खान जो है इस वक्त मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ अलाई है, और ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलके पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुँचाने पे ऊपर तुला हुआ है। और ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसकी जमात के कुछ और लोग भी जो हैं वो ऐसी हरकतों में और ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं कि जो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती हैं। और ये उसका जो बयान है ये भी उसी का जो है वो एक हिस्सा है, और इसका ये बयान जो इसने पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान की एजेंसीज के ख़िलाफ़ दिया है, ये इसका बयान जो है ये फरमाइशी बयान है। ये किसी तरफ से इसको कहा गया है कि तुम ये इस किस्म की जो है वो मुहिमजुई करो, इस किस्म के जो है वो बयानात को चलाओ, और ये बाकायदा सोशल मीडिया पे ये पूरी मुहिमजुई, ये पूरी मुहिम जो है ये चला रहे हैं। और उसको अगर आप बगौर देखें आप उसको, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इनकी इस मुहिम जोई के पीछे गैर मुल्की कौन कौन सी कुव्वतें और कौन कौन सी जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं जो कि इनसे इस बयानिए को और इस वारदात को जो है वो डलवाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक फरमाइशी बयान है। ये जो कहता है कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुझे मेरे ख़िलाफ़ 2 कातलाना हमले हुए हैं, मैं आज भी इसे कहता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी करवा लो, अपनी मर्ज़ी के इंक्वायरी ऑफिसर बिठा लो। जो नवीद बशीर है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी था और उसने जो है वो इसके ऊपर हमला किया, उसके ना को आगे है ना को पीछे है। ये जिन लोगों को नामज़द कर रहा है मुझ समेत,
अगर उसके पीछे को होता तो वो 3 दिन पहले 20,000 का जो है वो पिस्टल वजीराबाद से खरीदता। ये चीज़ें फैक्ट हैं, ये चीज़ें इंक्वायरी में आई हैं और पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है, JIT ने इंक्वायरी की है। आज तक कोई एक सबूत, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस, कोई ऑकुलर एविडेंस, कोई जबानी, कोई तहरीरी, कोई एविडेंस ये पेश कर सका है इस बारे में? सिर्फ जुबानी कलामी झूठ बोल रहा है कि जी मुझे जो है वो कत्ल करने का जो है मंसूबा जो है वो बनाया गया है। तो ये सारी इसकी मक्कारी है और इसका ये सारा फ्रॉड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखें, किसी जगह पे 30 बंदे बैठे हैं, किसी जगह पे 15 बंदे बैठे हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है और इनको वार्न किया गया है, अगर ये अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे तो बिल्कुल जो जहाँ जहाँ से ये रास्ता किसी ने रोका है उसे जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तलक है कि उन्हें कहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया गया, देखें गिरफ़्तार करने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो गिरफ़्तारी ऐसे अंदाज से करे और इस उस जगह पे करे जहाँ से जो है वो गिरफ़्तारी का इफ़ेक्टिव होना और उसके नतीजे में किसी नुकसान होने का एहतमाल जो है वो ना हो। इससे पहले जो ज़मान पाक पे जो अटैम्प्ट की गई थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो कोई इतना ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं था और उस अटैम्प्ट को भी वाइजली जो है वो आर्टिकुलेट जो है वो किया जाना चाहिए था। बाकी जहाँ तक इस बात का तलक है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो नोटिस लिया है, तो मुजरम का, मुलजम का जो अथॉरिटी जिसके पास ये इख्तियार हो, उसे हर जगह से उसे गिरफ़्तार करने का, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, चाहे वो जो है वो अपना घर पे हो, उसे गिरफ़्तार करने का वारंट अगर उनके पास है तो वो जो इख्तियार होता है। लेकिन अब इस नोटिस का तो मैं इस हसरत के साथ इसका जो है वो इजहार ही कर सकता हूँ कि काश ये नोटिस जो हैं ये इस लाडले के अलावा किसी और के लिए भी हुए होते तो चलो आज हम कहते कि जी ठीक है, ये नोटिस तो इसी तरह से होते हैं। अगर नैब की जानब से नोटिस जारी नहीं किया गया था तो इन्होंने चैलेंज इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस चीज़ को किया था? नैब को ही चैलेंज किया था ना, और उसके बाद बाकायदा जो है वो नैब को रोका भी गया था और उसके बाद उसकी समाअत हुई और समाअत के बाद जो है वो रिट इनकी जो है वो आपके इलम में है, कोई मेरा ख्याल कोई 2 हफ्ते पहले जो है वो खारिज हुई है। बाकी जहाँ तक FIR का तलक है, देखें FIR जो है अगर वो कोई स्कैंडलस हो और कोई आदमी जो है वो एक बेबुनियाद FIR जो है वो किसी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने की कोशिश करे, यानी मिसाल के तौर पे मैं या आप में से कोई अभी थाने चला जाए और वो जाके कहे किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ के जी उसने जो है वो कत्ल कर दिया है, तो पुलिस पहले ये तो देखेगी ना कि कत्ल हुआ है, कोई वाकया हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है। मामला ये है कि उस जुलूस में इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, पुलिस के लोग शामिल थे, इनके अपने लोग शामिल थे, सैकड़ों लोगों के सामने एक आदमी ने जो है वो पिस्टल से फायर किया, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसे पकड़ लिया गया, पकड़ते ही जो है वो उसने जो अपनी जो इब्तदाई स्टेटमेंट दी वो सब के सामने है। तो ये जो है ये मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखला के ख़िलाफ़ और जो है वो फ़ौज के एक अफसर के ख़िलाफ़ कहता है जी मेरे कहने के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए, वो इस तरह से तो नहीं हो सकती थी। और दूसरी बात ये है कि चलें अगर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज करने से जबकि चीफ मिनिस्टर इसके अपने थे इनकार किया या दर्ज नहीं हुई, आज एक आम आदमी की पुलिस अगर FIR के अंदराज में उसे एक दिन लेट करे ना, वो दूसरे दिन जो है वो अदालत में चला जाता है 22A 22B के तहत कि जी मेरी FIR नहीं दर्ज की, इसने कोई दरख्वास्त दी है किसी जगह पे? इसने कोई 22A 22B की जुरिसडिक्शन जो है उसमें जो है वो इसने वो गया है? ये अगर ये जाता तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर करती और अगर उस इंक्वायरी के नतीजे में इसकी जो दरख्वास्त है उसमें कोई प्रेमाफशाई बादी नज़र में सच्चाई पाई जाती थी कि FIR दर्ज होता है। ये लोग जो हैं ये मास्वाय सियासी बयानियाँ बनाने के, आप मुझे बताएंगे ये जो तशद्दुद की बातें कर रहे हैं जी फलां पे हुआ फलां पे हुआ फलां पे हुआ, आज तक किसी का मेडिकल हुआ है?
आज तक किसी ने अपना मेडिकल करवाया? ये तशद्दुद हम पे नहीं होते रहे, हमारे मेडिकल आज भी मौजूद हैं, और मेडिकल के ऊपर जो है वो जो है इन्होंने कोई FIR के लिए कोई दरख्वास्त दी है, किसी थाने में दरख्वास्त दी है, किसी अदालत में दरख्वास्त दी है, कोई रिट दायर की है? कोई नहीं। जब इनसे कहा गया कि जनाब अपना आप मेडिकल तो करवाएं, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो नहीं जी, वो तशद्दुद हमारे ऊपर ये हुआ कि जो है वो हमारे कपड़े जो है वो उतारे गए। अब आप मुझे बताएं कि कपड़े उतारने का जो है वो मेडिकल कैसे हो सकता है? हर आदमी जो है वो कपड़े रोज़ उतारता भी है, पहनता भी है, तो ये इन्होंने एक नया तशद्दुद निकाल लिया कि इस तरह का भी तशद्दुद होता है। वो पैसे जो हैं इस वक्त जो माल मसरूका है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अब ये साबित हो चुका है कि ये चोरी का माल है और ये सुप्रीम कोर्ट की डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कराया गया है, तो ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस अकाउंट से कौमी ख़जाने में जो है ये वापस करे और उससे जो है वो अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो अपने पैसे जो है वो एडजस्ट कराए और अपने पेमेंट जो है वो करे। थैंक यू जी। सारे दौर तशरीफ रखे जी, शेख रशीद नु की मैसेज देना है दसो किसकी जी? नहीं, नैब के गिरफ्तारी करने के इख्तियार से वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक है?